आज हम फिर एक बार आपके लिए लेकर आए हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। कई जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये डिमांड है कि भाई हमें अलग अलग वीडियो देखनी पड़ती है, इसलिए इंग्लिश पेडागोजी की एक कंप्लीट वीडियो हमने तैयार की है और जो आज हम आपको टीच करने जा रहे हैं, जिसमें मोस्टली जितना भी पेडागोजी इंग्लिश का मैटर है वो सारा इसके अंदर काउंट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक हिदायत है आपके लिए कि भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपकी सारी पेडागोजी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले ही हम शुरू करते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी? पेडागोजी का मीनिंग क्या है? पेडागोजी इज ए आर्ट एज वेल एज ए साइंस ऑफ मैथड्स, यानी जितने भी हमारे मेथड्स हैं उसे वैज्ञानिक तरीके से जब हम करवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेडागोजी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। इसमें फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है मेथड्स का, तो सबसे पहले हमारा मेथड है इसके अंदर ट्रांसलेशन मेथड। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ट्रांसलेशन मेथड, और मोस्टली जो टीचर्स हैं वो इसको प्रेफर भी करते हैं क्योंकि टीचर्स को अधिक लेबर करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। तो ट्रांसलेशन मेथड है क्या? इन ट्रांसलेशन मेथड्स एवरी वर्ड्स एंड एवरी सेंटेंस इज टीच इनटू मदर टंग, मातृभाषा के अंदर ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। इसका दूसरा नाम है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड नेम ऑफ ट्रांसलेशन मेथड? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। एंड थर्ड नेम इज क्लासिकल मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड्स। इसकी कुछ कमियां हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। इसमें जैसे सबसे मेन बेनिफिट क्या है कि वे अगर लार्ज क्लासेस हमारे इंडिया के अंदर होती हैं तो उनको करवाना आसान रहता है ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से, और इसके अंदर अधिक टीचिंग एड्स की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया है जो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड है थोड़ा सा, तो उसके लिए ट्रांसलेशन मेथड सबसे बेस्ट है। तो इसकी कमियों को देखते हुए फिर दूसरा मेथड हमारा आया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है? लैंग्वेज टीच ओनली टारगेट लैंग्वेज। इन दिस मेथड द लर्नर्स आर टॉट ओनली टारगेट लैंग्वेज। इफ वी आर गोइंग टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड इन दीज क्लासेस। अगर हम इसके अंदर इस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो केवल टारगेट लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाएगा। हमारी फोन लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। तो केवल इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा डायरेक्ट मेथड में। इसके भी कुछ फायदे हैं कि भी इसके अंदर बच्चा जो स्पीकिंग और लिसनिंग में अच्छा हो जाता है डायरेक्ट मेथड के अंदर। लेकिन इसकी कमी क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर कॉम्पिटेंस और प्रोफिशियंस जो टीचर है वो नहीं है, यानी टीचर्स के अंदर इतनी प्रोफिशिएंसी नहीं है कि वो डायरेक्ट मेथड से टीच कर सके। और दूसरा, इसके अंदर टीचिंग एड्स की अधिक जरूरत पड़ती है, तो इसलिए भी ये हमारे यहाँ पे इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। तो इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए फिर हमारा तीसरा मेथड आया बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल मेथड, बायलिंगुअल मेथड में क्या है? बायलिंगुअल मेथड विच यूज टू लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज एंड मदर टंग, बट इट इज ओनली फॉर टीचर। टीचर कैन यूज मदर टंग बट स्टूडेंट्स आर नॉट यूज मदर टंग। ओनली टीचर व्हेन यूज्ड व्हेन इट इज नेसेसरी। अब बाइलिंगुअल मेथड है जो, उसके अंदर केवल और केवल अध्यापक मदर टंग का प्रयोग कर सकता है केवल उस समय जब उसकी जरूरत हो। तो बाइलिंगुअल मेथड है जो कुछ हद तक हमारी कमियों को दूर कर पाया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन जो है वो बना है कंपोज वर्ड से। कंपोज, कंपोज का मतलब होता है रचना करना। तो कंपोजिशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज की रचना करना। तो कंपोजिशन है वो, पेपर में जो पूछा जाता है वो टू टाइप्स की होती है, एक गाइडेड कंपोजिशन होती है और एक फ्री कंपोजिशन होती है। तो जो गाइडेड कंपोजिशन है उसमें टीचर है जो सारा मेटेरियल प्रदान करता है बच्चों को, टॉपिक है, वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, वोकैब है, डिफिकल्ट वर्ड है, सारी जो चीजें हैं टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं गाइडेड कंपोजिशन।
फिर धीरे धीरे अध्यापक इन चीजों को कम करता चला जाता है और लास्ट में जब बच्चों को टॉपिक देता है और बच्चे अपने आधार पर उस चीज को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं करीब करीब कंपोजिशन। क्यों उससे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइडेड कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन क्या है या प्री कंपोजिशन क्या है। कॉम्प्रीहेंशन नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी दोनों के लिए प्रयोग होती है। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है और एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है। तो इसके अंदर मतलब क्या है, विद अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना ही क्या कहलाता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, बोथ द कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो लाउड रीडिंग उच्च स्वर में जब बच्चे उसको पढ़ते हैं इन ए यूनिफॉर्म वे, when students read anything in a loud voice is called loud reading। ये जो चीज है ये प्राइमरी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी क्लास के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा why we used loud reading in primary classes, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। जब हम ऊंची आवाज से बच्चों से पढ़वाते हैं तो कोई भी जो चीज है अगर गलत हो जाती है, वो मिसप्रोनाउंशिएट करता है यानी किसी भी शब्द का उच्चारण गलत करता है, तो अध्यापक उस चीज को उसी समय करेक्ट कर सकता है। इसलिए जो लाउड रीडिंग है वो प्राइमरी क्लासेस में इंपॉर्टेंट है और साइलेंट रीडिंग है जो वो हायर क्लासेस के अंदर इंपॉर्टेंट है। हायर क्लासेस में उच्च स्वर में नहीं पढ़ा जाता और ये हमारे लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है साइलेंट रीडिंग। अगर हम कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं या कहीं पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं तो वहां पे साइलेंट रीडिंग है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। इसके अंदर एक हमारी दूसरी चीज भी काम आती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो लाउड रीडिंग से पढ़ते हैं हम, वो चीज हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और साइलेंट रीडिंग से पढ़ते हैं तो वो चीज हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, वो लंबे समय तक हमें याद रहती है। नेक्स्ट आता है इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। पीछे एग्जाम में एसेट के एग्जाम में और सीटेट के एग्जाम में ये आया हुआ है इंटेंसिव रीडिंग के बारे में या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में। इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि हम कोई भी जो चीज है उसकी नॉर्मली जो रीडिंग करते हैं, हमें कोई मेन पॉइंट चाहिए या कोई और चीज चाहिए उसमें थोड़ी सी नॉर्मल रीडिंग जो ली जाती है उसको बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। और एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है डीप स्टडी, यानी किसी भी चीज की हम डीप स्टडी करते हैं, थ्रोली उस चीज को पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट जो मेन कॉन्सेप्ट आता है हमारा फोनेटिक्स। व्हाट इज फोनेटिक्स, फोनेटिक्स है क्या, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनेटिक्स। ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनेटिक्स। ये फोनेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे साउंड से रिलेटेड है। जिस प्रकार से इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट तो 26 है लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हाउ मेनी साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो साउंड कितनी है 44 है। हमारे जो प्योर वोवल है वो 12 है, डिफ्थोंग है वो 8 है और कॉन्सोनेंट है वो 24 है। तो टोटल जो साउंड है वो 44 साउंड है जो हमारी आती है। जो डिफ्थोंग है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाई डिफ्थोंग व्हाट इज डिफ्थोंग, डिफ्थोंग क्या है, व्हेन वी कंबाइन टू प्योर वोवल इट इज कॉल्ड डिफ्थोंग। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि भाई जितने भी साउंड हम प्रोनाउंशिएट करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो प्रयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, आर्टिकुलेटर आता है हमारा आर्टिकुलेटर। आर्टिकुलेटर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टिव आर्टिकुलेटर और दूसरा होता है पैसिव आर्टिकुलेटर। एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड पैसिव आर्टिकुलेटर, हमारा जो जबड़े का निचला हिस्सा है इसको बोलते हैं एक्टिव आर्टिकुलेटर, यानी जो अपनी जगह छोड़ के दूसरे के पास जाता है तो उसको बोला जाता है एक्टिव आर्टिकुलेटर। और पैसिव आर्टिकुलेटर हमारा जबड़े का जो ऊपरी हिस्सा है इसको बोलते हैं पैसिव आर्टिकुलेटर। यानी ये ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है, इसमें हमारे लोअर लिप अपर लिप है, लोअर टिक अपर टिक है। और दूसरा चीज जो ऑर्गन जो जानने हैं आपको, तो अपनी जीवा को दांतों से थोड़ा सा ऊपर लगाइए और आपको थोड़ा सा दाणेदार हिस्सा मिलेगा, उसको बोलते हैं टीथ रिज। उससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो वहां पे सख्त दाणेदार हिस्सा मिलेगा, उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। और अपनी जीवा को ऊपर लेकर जाएंगे तो बिल्कुल मुलायम सा हिस्सा मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। जो ये सॉफ्ट पैलेट है ये दोनों के अंदर काउंट होता है, एक्टिव आर्टिकुलेटर और पैसिव आर्टिकुलेटर।
जो सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट ही एक ऐसा ऑर्गन ऑफ स्पीच है जो दोनों में काम होता है। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा, विच ऑर्गन ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन बोथ एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड पैसिव आर्टिकुलेटर, तो वो क्या है, सॉफ्ट पैलेट। ये जब रेज होता है तो हमारे नाक का रास्ता बंद हो जाता है और पूरी हवा जो मुख से बाहर आती है तो उसको बोलते हैं ओरल साउंड, मौखिक ध्वनि। और जब ये डाउन होता है तो हमारे मुख का रास्ता बंद हो जाता है और नाक का रास्ता खुल जाता है, उस समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं नेजल साउंड। नेजल साउंड के अंदर हमारे तीन ही आती हैं, म, न और य। ये थ्री साउंड है जो हमारी नेजल साउंड है, बाकी सारी जो है ओरल साउंड है। इसके बाद है वॉइस साउंड और वॉइस लेस साउंड। हमारे गले के अंदर ये है ग्लोटिक्स, ग्लोटिक्स या एडम एप्पल इसको बोलते हैं हम। इसके अंदर इस आकार की एक आकृति का भाग बना हुआ है, ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। जब ये खुला होता है तो इसमें से जब वायु बाहर आती है तो किसी प्रकार का कोई कंपन पैदा नहीं होता, यानी जब कंपन पैदा नहीं होगा तो उस समय जो साउंड उत्पन्न होगी वो वॉइस लेस होगी। और जब ये तंग अवस्था में होगा, इसके अंदर कंपन पैदा होगा, तब जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसको बोलेंगे वॉइस साउंड। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को धारण करना, सीखना। कि भाई लैंग्वेज अपने आप प्रकृति से मिलने वाली चीज नहीं है, इसको हमें सीखना पड़ता है। इसे जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भाई आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग, आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग, अगर हम सिर्फ उस चीज को किताब में पढ़े तो हमें स्विमिंग करना नहीं आएगा, जब हम पानी में उतरेंगे तभी भी स्विमिंग करना हमें आता है। तो उसी प्रकार से लैंग्वेज है जो उसको सीखना पड़ता है, लैंग्वेज इज लर्न, यानी इसको सीखना पड़ेगा, ये अपने आप आने वाली प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपके वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है MLL। MLL का मतलब क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। जिस प्रकार से भिवानी बोर्ड के अंदर पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए आपको, उसी प्रकार से MLL यानी इंग्लिश के अंदर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कितना है। मान लिया शुरू की जो क्लासेज हैं उसमें 3000 वर्ड है जो बच्चों को इंग्लिश के कम से कम याद होने चाहिए, इसी को बोला जाता है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। यानी बच्चा ऊपर के ग्रेड में जाने के योग्य तब होगा जब उसको कम से कम 3000 वर्ड हो। हायर जो प्राइमरी है उस तक उसको बच्चे को 5000 वर्ड है जो वो इंग्लिश के याद होने चाहिए। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा, व्हाट इज द मिनिमम ऑफ MLL या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट जो 17th पॉइंट है आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CCE, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। तीन कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है सतत, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, और इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। पहले तो सिर्फ क्या था, पेन पेपर टेस्ट होते थे, परीक्षा ली बात खत्म, लेकिन अब पूरे कॉन्सेप्ट को शामिल कर लिया गया है इसमें। कॉन्टिन्यूस यानी पूरे साल के दौरान बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, और कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनैलिटी, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो मतलब क्या है, उसमें सारी चीजें शामिल होंगी, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, हर एक प्रकार का जो विकास है उसके अंदर सारी चीजें शामिल की जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक, और मूल्यांकन का मतलब आप जानते हो इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है RP, रिसीव्ड प्रोनंसिएशन, रिसीव्ड प्रोनंसिएशन फ्रॉम लंदन, यानी ये जो है लंदन से ली गई है, इंग्लैंड के अंदर लंदन का जो मोस्टली पार्ट है वहां पे RP बोली जाती है, रिसीव्ड प्रोनंसिएशन, जो हमने फोनेटिक्स में पोर्शन किया है, जो फोनेटिक्स की साउंड है ये यहाँ पे बोली जाती है, इसको बोलते हैं RP, रिसीव्ड प्रोनंसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है OHP, ओवर हेड प्रोजेक्टर। ये पहले यूज किया जाता था क्लास में, लास्ट में पीछे की तरफ रखा जाता था, और टीचर जब इसको चलाता था तो इसकी रोशनी बच्चों के सिर के ऊपर से आके बोर्ड के ऊपर दिखाई देती थी, इसीलिए इसको बोला जाता है OHP, ओवर हेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, एड से रिलेटेड सहायक सामग्री है जो, उसमें 3 प्रकार की जो एड्स हैं वो यूज होती हैं, विजुअल जो केवल दिखाई देती है, ऑडियो जो केवल सुनाई देती है, ऑडियो विजुअल जो दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच इज ओनली ऑडियो एड, और आपको ऑप्शन दे देंगे चार्ट, मैप, मॉडल्स, रेडियो, तो उसमें क्या हो जाएगा, रेडियो, रेडियो इज ओनली ऑडियो एड्स,
यानी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एड दिखाई देती है, कौन सी सिर्फ सुनाई देती है, और कौन सी दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे हम कहते हैं कुश्ती करना, कुश्ती इसमें किस चीज की कुश्ती होगी, दिमाग की कुश्ती होगी। यानी जब हम अपने दिमाग में कोई चीज सोचते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। मेंटल एक्सरसाइज इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। फ्लैश कार्ड, कई बार पूछा जाता है कि फ्लैश कार्ड का साइज क्या होता है। 1/4 पार्ट ऑफ ए चार्ट, जो हमारा चार्ट होता है उसका 1/4 चौथाई जो भाग है उसको हम फ्लैश कार्ड कहते हैं। LSRW ऑल लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कोई भी जो लैंग्वेज सिखाई जाती है उसके अंदर ये चार जो एम है वो रखे जाते हैं, चारों कौशल, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। और ये एक नेचुरल वे भी है किसी भी भाषा को सीखने का। लेकिन इंडिया के अंदर वापिस चलते हैं उल्टे तरीके से, हम पहले राइटिंग सिखाते हैं बच्चों को, फिर रीडिंग सिखाते हैं, और बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर जाता है उसको लिसनिंग और स्पीकिंग आती ही नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी क्या है हमारा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग। इसके बाद 3 कॉन्सेप्ट है हमारे टीचिंग से रिलेटेड, माइक्रो टीचिंग, मेगा टीचिंग और रियल टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का टाइम पूछा जाता है, इसका टाइम होता है 5 से 6 मिनट का। मेगा टीचिंग जो है उसका टाइम होता है 15 से 20 मिनट का, और जो रियल टीचिंग होती है उसका टाइम होता है 35 से 40 मिनट का। तो इसमें माइक्रो टीचिंग में छोटी सी प्रोसेस होती है, अलग अलग जो स्किल्स हैं जैसे क्वेश्चनिंग स्किल है, एक्सप्लेनिंग स्किल है, इंट्रोड्यूसिंग स्किल है, इनको अलग अलग करवाया जाता है 5-5, 6-6 मिनट के लिए, और ये कॉलेज में ही होता है। मेगा टीचिंग भी कॉलेज में होती है, इसमें टाइम 15 या 20 मिनट का दिया जाता है, इसमें सभी कौशल को साथ मिला के चला जाता है। इसके बाद आता है रियल टीचिंग, जब वास्तव में हम स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं रियल टीचिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा स्ट्रेस, यानी किसी चीज के ऊपर जब हम दबाव डाल के बताते हैं तो उसको बोला जाता है स्ट्रेस। रिकॉर्ड और रिकॉर्ड दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन जब आर के ऊपर हम स्ट्रेस देते हैं तो ये क्या होता है, रिकॉर्ड, ये हमारा कहलाएगा नाउन, सॉरी ये इसको बोलेंगे हम वर्ब। और जब यहां पे स्ट्रेस दिया जाएगा तब ये हमारा क्या बनेगा, नाउन, रिकॉर्ड, ठीक है। तो स्ट्रेस, इंटोनेशन, इंटोनेशन के अंदर होता है राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल ऑफ ट्यून इज कॉल्ड इंटोनेशन। इसके अंदर कोई सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस के आधार पे हम करते हैं, जैसे गीता गोज टू कॉलेज। अब यहां पे स्ट्रेस दिया और इसमें आपसे पूछ ले विच टाइप ऑफ इंटोनेशन इज यूज इन दिस सेंटेंस, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, गीता गोज टू कॉलेज, तो पहले फॉल और फिर राइज, तो इसकी इंटोनेशन क्या होगी, फॉलिंग एंड राइजिंग। इसी प्रकार का क्वेश्चन पीछे पूछा भी गया था। राइम, राइम होता है लय, यानी जो हमारे पोइम है उसके अंदर पूछे जाते हैं राइम वर्ड और पेयर वर्ड और राइम स्कीम, ए ए बी बी, इस प्रकार से जो भी पोइम की लाइन का अंतिम वर्ड होता है उसकी राइम वर्ड देखा जाता है, उनकी साउंड देखी जाती है। हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो ए से शुरू होती है और आगे बढ़ती रहती है। अब इस प्रकार से अगर मान लिया 4 वर्ड की राइम इस प्रकार से बनी तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी, ए ए बी बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसमें मेन जो जोर है वो स्ट्रक्चर्स के ऊपर डाला जाता है। इसके अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो है हमारा सिलेक्शन और दूसरा है ग्रेडेशन। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन मेन चीज है इसके अंदर। पहले तो ऐसे स्ट्रक्चर्स का चुनाव किया जाए जो आसान होते हैं और फिर उनको आगे बढ़ाया जाए। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन 2 चीजें मेन है इसके अंदर। स्ट्रक्चर पे जोर दिया जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब बच्चा एक स्ट्रक्चर पे अपनी निपुणता हासिल कर लेता है तब उसके सामने दूसरा स्ट्रक्चर है जो वो प्रस्तुत किया जाता है, और इस प्रकार के 274 स्ट्रक्चर है जो वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर क्या है कि भाई बच्चे को बोलने के ऊपर जोर डाला जाता है, ना कि ग्रामर मटेरियल के ऊपर जोर डाला जाता है। यानी बच्चा है जो बोलने में फ्लुएंसी लेकर आता है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ध्यान में नहीं रखा जाता, सिर्फ अपने जो इंटेंशन होती है वो दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सके, इस प्रकार के वर्ड जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट है रीडिंग और रिसाइटेशन।
रीडिंग मैंने भी पढ़ना होता है और रिसाइटेशन मैंने भी पढ़ना होता है। लेकिन जब पोइमों को पढ़ा जाता है तो उस टाइम बोलते हैं रिसाइटेशन, और जब चैप्टर्स वगैरह को पढ़ा जाता है तो उस टाइम बोलते हैं रीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट टू एजुकेशन 2009। इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन 2009, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यानी 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड कोई चीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो 1990 और 91 के अंदर आया था। इसमें क्या है कि प्राथमिक स्कूल के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत होती है उनको कहा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है लिंक लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज। ये जैसे हमारे स्टेट के अंदर हमारे इंडिया में 29 स्टेट है, उनमें अलग अलग लैंग्वेज का जो मदर टंग है वो प्रयोग की जाती है। इनको आपस में जोड़ने के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। विंडो ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो हम पूरे संसार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो चीजें हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दी होती है। इसके बाद है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग को बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। आफ्टर द रेगुलर आवर्स ऑफ द स्कूल वी यूज रेमेडियल टीचिंग। अगर बच्चों की किसी चैप्टर के अंदर कोई कमी है, स्कूल के पूरे टाइम होने के बाद उनकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है उसको बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। कंस्ट्रक्टिविज्म, बच्चा जब अपने अनुभव अपने ज्ञान के आधार पर नई चीज का जब निर्माण करता है तो उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म। और इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दो इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव मेथड में जो टीचर पहले बच्चों के सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है और बच्चे अपने आधार पर नियमों का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि बच्चे के सामने पहले नियम रख दिए जाते हैं और फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उनमें वो नियमों को प्रयोग करके देखता है, उसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। दोनों मेथड एक साथ ही यूज किए जाते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। ये थी बच्चों हमारे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। लगभग मोस्टली जेबीडी और बीएड जितने भी हैं उनके अंदर मोस्टली जो पॉइंट है वो कवर किए गए हैं इसके अंदर, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।